का भी यही नेचर है। अध्यात्म का नेचर यह है कि प्रकृति के नियमों का पालन करना, आदमी कैसे पालन करे वो है। देवू जी, मैं तो आनंद जी के साथ ही कहूँगा कि हमारे जो आज के संदर्भ में आध्यात्मिक जो हमारी जो अनुभूति है, ये एक ऐसे अनुभूति है जो हमारे जहाँ तक शास्त्र की बात है, इसके ज़रिए ना केवल साइंस स्पिरिचुअलिटी, हम लोग इसको और आगे बढ़ा सकते हैं। जी कृष्णमूर्ति साहब, विज्ञान हर एक रोज बढ़ रहे हैं, मैं मानव का सुख कितना बढ़ रहा है ये सोचने के बात है। विज्ञान द्वारा बहुत बहुत अच्छा, हम तो नोबेल प्राइज विनर्स को भी मिला है, इंग्लैंड में अमेरिका में मिला है, उनको ये सोचता है इतना हम विज्ञान में बढ़ गया फिर की मन का शांति नहीं मिल रहा है। तुना साहब, मैं कहूँगा कि विज्ञान जो है, विज्ञान नवीन नवीन चीज़ को विज्ञान बोलते हैं, और विज्ञान के जो गुण हैं, विज्ञान के जो वो है, वो रोज नित्य बदलते रहते हैं। लेकिन जो अध्यात्म है, जो हमारा आयुर्वेद है, इसके जो हमारे गुण हैं ये बिल्कुल स्थायित्व हैं। ये जो हमारे ऋषियों ने तय कर दिए कि ये अध्यात्म गुण है, वो बिल्कुल उसके अटल है वो, और उनका आज भी वही प्रभाव है जो आज से हजारों वर्ष पहले था। बदलते समय में विज्ञान का स्वरूप किस हद तक बदल रहा है, या अध्यात्म का स्वरूप किस हद तक सनातन है, ये बहस शायद चिरंतन है। फिलहाल हमें इस बहस को यहीं विराम देना होगा और आपसे इजाजत लेते हैं। जी हाँ, सेंटेंस में बोलना चाहता हूँ जी, इतना इतना वैज्ञानिक है वो सबका और हिंदुस्तान के ऊपर हो रहे हैं, आध्यात्मिकता को आकर्षण बहुत बहुत हो रहे कई दो शताब्दों से। जी, हिंदुस्तान की ओर सबकी नजर और एक हिंदुस्तानी का दावा ये। बहरहाल अब इजाजत लेते हैं आपसे, और जी हाँ, आपकी बैठक के अगले अंक में हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, और जाहिर है नए विशेषज्ञों और मेहमानों के साथ भी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।